हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एसक्यूएल सर्वर में जो लिखी है प्रोसीजर वो हम लोग सी शार्प में कैसे कॉल कर सकते हैं, ये लेक्चर देखने वाले हैं। ऑलरेडी मैंने एसक्यूएल सर्वर में प्रोसीजर्स बना के रखे हैं सारे, सी शार्प में भी प्रोग्राम बना के रखा है जो प्रोसीजर कॉल कर सकते हो, तो टाइम बच जाएगा। ठीक है, एसक्यूएल सर्वर में तीन टेबल्स है, कोर्स, स्टूडेंट एंड स्टूडेंट फीस, और ये उसके करस्पॉन्डिंग फील्ड्स है, सी एन ओ, सी एन एम, ड्यूरेशन फीस, जो कोर्स की इंफॉर्मेशन मेंटेन करती है। स्टूडेंट का है रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर एंड कोर्स नंबर, वो स्टूडेंट ने कौन से कोर्स के लिए एडमिशन लिया है, और स्टूडेंट फीस जिसमें रिसीट नंबर, रिसीट डेट, रोल नंबर एंड रिसीट अमाउंट। ठीक है, तो हम लोग पहले देखते हैं एसक्यूएल सर्वर की प्रोसीजर क्या है, कैसे बनाई है, और बाद में हम लोग देखेंगे वो हम लोग कॉल कैसे कर सकते हैं। तो मैंने कोर्स टेबल में रिकॉर्ड इंसर्ट करने के लिए प्रोसीजर बनाई है। कोर्स टेबल में चार फील्ड्स है, सी एन ओ, सी नेम, ड्यूरेशन फीस। इसमें कोई ऐसे ट्रिगर लिखा नहीं है कि जो कोर्स नंबर ऑटोमेटिक जनरेट कर सके, या फिर कोर्स नंबर ऑटो इंक्रीमेंट भी नहीं है, तो हमें चारों वैल्यूज लेनी है और चारों वैल्यूज इंसर्ट करनी है। तो पहले हम लोग क्रिएट करेंगे प्रोसीजर, क्रिएट प्रोसीजर, देन नेम ऑफ द प्रोसीजर, पी इज गिवन टू इंडिकेट नेम ऑफ प्रोसीजर, जो पी यह है वो प्रोसीजर का नाम इंडिकेट करता है, आई एन एस ये मेंशन करता है रिकॉर्ड इंसर्ट करने के लिए, एंड सी ओ यू कोर्स इंडिकेट करता है किस टेबल के लिए हम लोग प्रोसीजर लिख रहे हैं। ये स्टैंडर्ड ऐसे प्रोसीजर रहती है प्रोसीजर का नाम लिखने के लिए, पी मीन्स प्रोसीजर, आई एन एस मीन्स इंसर्ट, एंड कोर्स मीन्स कोर्स टेबल। इसमें हम लोग चार पैरामीटर्स लेने वाले हैं, जैसे मैंने पहले कहा कि हम लोग कोई ट्रिगर लिखा नहीं है, कुछ नहीं किया है, तो हम लोग चार पैरामीटर्स ले रहे हैं। एट साइन लिखना है, दैट इज अ लोकल पैरामीटर और लोकल वेरिएबल यू कैन से, जैसे यहाँ वो इसी के लिए काम करेगा एट वी सी एन ओ। ये प्रोसीजर एसक्यूएल सर्वर में ऐसे कंपल्शन है कि जब भी आप वेरिएबल डिक्लेयर करोगे उसके पहले एट साइन चाहिए जो इसी प्रोसीजर के लिए काम करेगा, और डबल एट साइन दिया तो इस प्रोसीजर में कोई और प्रोसीजर आप कॉल कर रहे हो तो इसकी वैल्यू आप वहां भी रेफर कर सकते हो एज अ ग्लोबल वेरिएबल। सो हम लोगों ने पैरामीटर लिखा है, लिया है चार पैरामीटर्स लिए है, VCNO, VCName, V duration एंड V fees। अब पैरामीटर्स तीन टाइप के रहते हैं, इनपुट पैरामीटर, आउटपुट पैरामीटर एंड इनपुट आउटपुट पैरामीटर। अगर सिर्फ प्रोसीजर में आप वैल्यू ले रहे हो तो इट बिकम्स अ इनपुट पैरामीटर, इसको हम लोग इनपुट पैरामीटर बोल रहे हैं। अगर हमें कोई वैल्यू रिटर्न करनी है तो हम लोग वो पैरामीटर मेंशन कर सकते हैं आउटपुट पैरामीटर, और जो हम लोग वैल्यू रिसीव कर रहे हैं एज ए इनपुट और जो रिटर्न कर रहे हैं आउटपुट, उसका अगर डेटा टाइप सेम ही है तो हम लोग जनरली इन आउट पैरामीटर यूज करते हैं। पैरामीटर यहाँ कोई पैरामीटर टाइप मेंशन नहीं किया है तो इसका मतलब सारे इनपुट पैरामीटर है, सारे वैल्यूज हम लोग रिसीव कर रहे हैं। एंड देन एज बिगिन, एज और बिगिन के बीच में अगर कोई वेरिएबल्स आपको यूज डिक्लेयर करने हैं जो पैरामीटर्स ऊपर नहीं है लेकिन हम लोग प्रोग्राम में यूज कर रहे हैं, तो एज और बिगिन के बीच में लिख रहे हैं, वो हम लोग मैंने एक और एग्जाम्पल में लिया है। देन बिगिन इंसर्ट इन टू कोर्स वैल्यूज, इंसर्ट इन टू कोर्स वैल्यूज ये स्टेटमेंट ही है, और जो हम लोगों ने चार पैरामीटर्स लिए हैं, वी सी एन ओ, वी सी नेम, वी सी फीस एंड वी ड्यूरेशन, तो ये थोड़ा अलग होना चाहिए, पहले ड्यूरेशन होना चाहिए और बाद में फीस होना चाहिए। मेरे ख्याल से मैंने ये गलत किया है, ये आपको चेंज करना पड़ेगा, यहाँ मैं चेंज करता हूँ बाद में कोई गलत ना हो जाए। वी ड्यूरेशन और वी फीस, ठीक है, मेरे ख्याल से प्रोग्राम में भी वैसे ही होगा, होप सो। ठीक है, तो ये पहले इसमें ड्यूरेशन है और बाद में फीस है। ठीक है, अब ये ऊपर के पैरामीटर जो है और इसका सीक्वेंस कोई मैच नहीं है, वो ऐसे नहीं है कि इसका सीक्वेंस जो है इनपुट पैरामीटर सीक्वेंस और ये सीक्वेंस मैच होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। ये सीक्वेंस जो भी है यहाँ हमने मेंशन किया है वो टेबल से सीक्वेंस से मैच होना चाहिए। अभी ये प्रोसीजर का नाम क्या है, दैट इज द नेम ऑफ प्रोसीजर, पी अंडरस्कोर आई एन एस अंडरस्कोर कोर्स, एंड पैरामीटर्स इज वी सी एनओ, वी सी नेम, वी ड्यूरेशन, वी फीस, जिनका टाइप सब इनपुट पैरामीटर है। ठीक है, वैसे हमने एक डिलीट के लिए प्रोसीजर रखी है ताकि वो हम लोग कॉल करने वाले हैं सी शार्प से। ठीक है, तो क्रिएट प्रोसीजर पी अंडरस्कोर डी एल अंडरस्कोर कोर्स, सिर्फ हम लोग कोर्स नंबर ले रहे हैं और उस कोर्स नंबर से हम लोग फिर डिलीट कर रहे हैं, डिलीट फ्रॉम कोर्स वेयर सी एन इक्वल टू एट वी सी एन, जो भी हम लोग रिसीव कर रहे हैं
वो हम लोग डिलीट करने वाले हैं। ठीक है, प्रोसीजर का नाम क्या है, पी अंडरस्कोर डेल अंडरस्कोर कोर्स एंड पैरामीटर है इनपुट पैरामीटर, एक ही पैरामीटर है एट VCL। अब ये दोनों प्रोसीजर जो है इसमें हम लोग इनपुट पैरामीटर ले रहे हैं, मुझे आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन वो भी दिखाना है इनपुट और आउटपुट पैरामीटर। ठीक है, मुझे क्या करना है, मैं प्रोसीजर में रोल नंबर रिसीव करूंगा और वो स्टूडेंट की जो भी रिमेनिंग फीस है मैं वो कॉलिंग प्रोग्राम को रिटर्न करना चाहता हूं, दैट इज डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ आउटपुट पैरामीटर। अब स्टूडेंट का हम लोग रोल नंबर लेंगे एज ए इनपुट पैरामीटर और उसकी रिमेनिंग फीस रिटर्न करेंगे, तो क्रिएट प्रोसीजर पी अंडरस्कोर आईडीएम फीस, यहाँ टेबल ने मेंशन नहीं किया है क्योंकि इट इज ए जनरल प्रोसीजर, एट VRNO INT, एट VRFees INT output। ठीक है, मीन्स पहले में मैं मेंशन नहीं किया है, यहाँ कोई मेंशन नहीं किया है तो ये इनपुट पैरामीटर हो गया है और जिसकी वैल्यू में रिटर्न करनी है। हम लोग प्रोसीजर में क्या करने वाले हैं, रोल नंबर लेंगे, उस स्टूडेंट को रिमेनिंग फीस, उस स्टूडेंट की रिमेनिंग फीस कैलकुलेट करेंगे और फिर वो हम लोग रिटर्न करेंगे। ओके, सो रिटर्न करने के लिए यहाँ आउटपुट पैरामीटर मेंशन किया है। अब हम लोग रिमेनिंग फीस कैसे निकालेंगे, तो पहले वो जो स्टूडेंट है उसने किस कोर्स के लिए एडमिशन लिया है, उस कोर्स की फीस क्या है वो देखनी पड़ेगी, फिर उस स्टूडेंट ने कितनी पेड फीस की वो देखनी पड़ेगी, और फिर कोर्स फीस और पेड फीस हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें रिमेनिंग फीस उसकी आ जाएगी। अब इसमें दो ही पैरामीटर्स है लेकिन हमें कोर्स की फीस भी देखनी है और टोटल पेड फीस भी देखनी है, इसीलिए मैंने अभी ये दो वेरिएबल्स डिक्लेयर किए एज के बाद। तो डिक्लेयर ए वेरिएबल, वी यूज रिजर्वर डिक्लेयर एट VC फीस INT जिसमें हम लोग कोर्स फीस लेंगे, एंड डिक्लेयर एट VP फीस जिसमें हम लोग उसकी पेड फीस लेंगे, उसके बाद बिगिन। अब ये स्टेटमेंट आपको पता होनी चाहिए, ये स्टेटमेंट मैं नहीं बता सकता यहां, जो नेस्टेड क्यूरी है इसमें क्या किया है, सिलेक्ट CNO फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल नंबर इक्वल टू VRNO, जो हम लोग रोल नंबर रिसीव किया है उस रोल नंबर का कोर्स नंबर फाइंड आउट किया है, वो कोर्स नंबर फिर कोर्स टेबल में कंपेयर किया है और फिर उसकी जो भी फीस है वो हम लोग VC फीस में रिसीव की है, सिलेक्ट एट VC फीस इक्वल टू फीस, ये फीस जो है वो कॉलम है और VC फीस जो है एट VC फीस इट इज अ वेरिएबल, सो वेरिएबल इक्वल टू कॉलम नेम। अब ये कॉलम ने एक ही वैल्यू लेनी चाहिए जो VC फीस में आएगी, इससे अगर मल्टीपल वैल्यूज आने लगी तो ये एरर देगा क्योंकि मल्टीपल वैल्यूज हम लोग सिंगल वेरिएबल में स्टोर नहीं कर सकते, तो उसके लिए कर्सर वगैरह देख लेना पड़ेगा, उस डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूं। तो पहले हम लोगों ने इनर क्यूरी क्या किया, रोल नंबर से कोर्स नंबर फाइंड आउट किया और वो फिर कोर्स नंबर कोर्स टेबल में कंपेयर करके उसकी फीस फाइंड आउट की। अब पेड फीस आता है, तो पेड फीस लिए हम लोगों ने सिलेक्ट एट फीस इक्वल टू सम ऑफ रिसीट अमाउंट फ्रॉम द स्टूडेंट फीस वेयर रोल नंबर इक्वल टू VRNO, वो रोल नंबर स्टूडेंट फीस में कंपेयर किए, उसकी टोटल फीस भी ले ली और वो फिर VP फीस में ले लिए। अब रिमेनिंग फीस कैसे लेंगे, कोर्स फीस माइनस पेड फीस, तो उसके लिए हम लोग लिखेंगे लेट VR फीस इक्वल टू VC फीस माइनस VP फीस, कोर्स फीस माइनस पेड फीस, देन एंड, दैट इज द एंड ऑफ द प्रोसीजर। सो दिस इज हाउ वी क्रिएट अ प्रोसीजर, वी हैव क्रिएटेड अ प्रोसीजर which takes one input parameter and it one output parameter, it takes roll number as the input parameter and it will returns the remaining fees। ठीक है, अब प्रोसीजर का नाम क्या है, PREM fees, जिसमें एक रोल नंबर इनपुट पैरामीटर है और VR fees आउटपुट पैरामीटर है। अब हम लोग C# में क्या करना चाहिए, जैसे वो अगर ये प्रोसीजर वगैरह लिखी है वो भी दिखाता हूँ मैं, प्रोसीजर वगैरह लिखी हुई है, तो बाद में हमें अगर C# से कॉल करना है तो पहले C# में हमें SQL सर्वर के कनेक्शन के लिए सारे फाइल्स पहले इंपोर्ट करनी चाहिए। तो एक फाइल हमें इंपोर्ट करना चाहिए जैसे यूजिंग system.data.sqlclient, तो ये हम लोग SQL सर्वर से कनेक्शन वगैरह कर सकते हैं, प्रोसीजर वगैरह कॉल कर सकते हैं, बाकी बहुत कुछ हम आगे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रोसीजर कॉल करने के लिए पहले हमें दो ऑब्जेक्ट्स बनाने पड़ेंगे, एक है SQL कनेक्शन एंड एक है SQL कमांड। कनेक्शन किस लिए यूज करना चाहिए, डेटा कहां से एक्सेस करना है, किस डेटाबेस से एक्सेस करना है, इसके लिए हमें कनेक्शन ऑब्जेक्ट करना चाहिए, और प्रोसीजर एग्जीक्यूट करने के लिए, प्रोसीजर एग्जीक्यूट करनी हो, इंसर्ट सिलेक्ट अपडेट डिलीट कमांड एग्जीक्यूट करनी हो तो कमांड ऑब्जेक्ट कंपल्सरी लगता ही है, हमें करना ही पड़ेगा। अब
कनेक्शन स्ट्रिंग, कनेक्शन ऑब्जेक्ट करने के बाद कनेक्शन स्ट्रिंग हम लोग मेंशन कर सकते हैं ऐसे, सी एन इक्वल टू न्यू एसक्यूएल कनेक्शन डेटा सोर्स इज इक्वल टू डॉट। अब यहां हम लोगों ने डेटा सोर्स इक्वल टू डॉट दिया है क्योंकि हम लोगों ने इसी मशीन पे एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल किया और इसी मशीन पे हम लोग एक्सेस कर रहे हैं। जनरली डेटा सोर्स इंडिकेट्स व्हाट इज द सर्वर नेम। एसक्यूएल सर्वर इज वर्क फॉर अ क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी, जैसे एसक्यूएल सर्वर क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी में काम करती है जहां सर्वर पे डेटा होता है और कोई भी क्लाइंट डेटा एक्सेस कर सकता है। जैसे बैंक अकाउंट का है, हम लोग अकाउंट किस बैंक में भी ओपन कर सकते हैं और किसी भी एटीएम से पैसे विड्रॉ कर सकते हैं, वैसे है जहां डेटा एक जगह पे होगा और एटीएम इज अ क्लाइंट, कहां से भी हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। तो सर्वर का नाम क्या है, वो सर्वर का नाम हमें यहाँ देना पड़ता है, डेटा सर्वर, डेटा सोर्स इक्वल टू सर्वर का नाम। उसके बाद सेमी कॉलन, यहाँ हमने डॉट दिया है क्योंकि इसी मशीन पे, इसीलिए डॉट दिया है, लोकल होस्ट है ये, सेमी कॉलन, देन इनिशियल कैटालॉग, चेक द स्पेलिंग, कैटालॉग, सी ए टी एल ओ जी, प्रोनाउंसिएशन इज कैटलॉग, हम लोग क्या बोलते हैं कैटलॉग बोलते हैं, लेकिन स्पेलिंग देखो सी ए टी एल ओ जी कैटालॉग इक्वल टू स्कूल, इट इंडिकेट्स नेम ऑफ द डेटाबेस, डेटाबेस का नाम हमें हमारा क्या है। सो इनिशियल कैटलॉग इक्वल टू स्कूल, इनिशियल ब्लैंक स्पेस कैटलॉग, ध्यान में रखिए ब्लैंक स्पेस होना बहुत जरूरी है, डेटा सोर्स में भी ब्लैंक स्पेस होना बहुत जरूरी है, स्कूल डेटाबेस का नाम है। सेमी कॉलन, इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी इक्वल टू ट्रू, जैसे एसक्यूएल सर्वर में अगर काम करना है तो हम लोग दो मोड से काम कर सकते हैं, विंडोज ऑथेंटिकेशन, एसक्यूएल सर्वर ऑथेंटिकेशन। एसक्यूएल सर्वर ऑथेंटिकेशन मीन्स एसक्यूएल सर्वर का वैलिड यूजर नेम पासवर्ड हमें होना चाहिए तो ही हम लोग एसक्यूएल सर्वर एक्सेस कर सकते हैं। और विंडोज ऑथेंटिकेशन मीन्स जो भी विंडोज एक्सेस कर रहा है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सेस कर रहा है, वो एसक्यूएल सर्वर एक्सेस कर सकता है। अब किस मोड में काम करना है, ये काम करना है, वो सब डिपेंड है इंस्टॉलेशन के टाइम। इंस्टॉलेशन के टाइम आपने क्या दिया है, मैंने इंस्टॉल करते समय बोथ ऑथेंटिकेशन दिया था, विंडोज एज वेल एज एसक्यूएल सर्वर, और मैं हमेशा एक्सेस करता हूँ विंडोज ऑथेंटिकेशन से, लेकिन रियल लाइफ में ऐसे नहीं होता, रियल लाइफ में एसक्यूएल ऑथेंटिकेशन ही यूज होता है। हर यूजर को, हर प्रोग्रामर को यूजर नेम पासवर्ड दिया जाता है और उसी यूजर नेम पासवर्ड से उसको एक्सेस करना पड़ता है, उस केस में इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी हम लोग यूज नहीं करते, यहाँ हमें देना पड़ता है यूजर नेम एंड पासवर्ड। मैंने विंडोज ऑथेंटिकेशन किया है यहाँ दिया, इसलिए इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी को ट्रू दिया है मैंने, ठीक है। अब प्रोसीजर कॉल कर सकते हैं, कनेक्शन करने के बाद पहले हमें कमांड क्रिएट करना पड़ता है, क्रिएट द कमांड ऑब्जेक्ट, देन मेंशन द कमांड टाइप। कमांड टाइप दो टाइप के रहते हैं, तीन टाइप के रहते हैं, टेबल डायरेक्ट, टेक्स्ट एंड प्रोसीजर, वो देखते हैं बाद में। देन मेंशन द कमांड टेक्स्ट, कमांड टाइप के ऊपर हम लोग कमांड टेक्स्ट मेंशन करते हैं। कमांड टाइप अगर हमारा टेबल डायरेक्ट है तो कमांड टेक्स्ट इज नथिंग बट नेम ऑफ द टेबल। जैसे अब सपोज कमांड टाइप हमें मेंशन किया है कि टेबल डायरेक्ट, तो कमांड टेक्स्ट में उस टेबल का नाम रहेगा सिर्फ। अगर हमने कमांड टाइप दिया है टेक्स्ट, तो कमांड टेक्स्ट में हमें सिलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, क्यूरी मेंशन करनी पड़ेगी। और कमांड टाइप मेंशन किया है स्टोर्ड प्रोसीजर, तो कमांड टेक्स्ट में हम लोग प्रोसीजर का नाम मेंशन करते हैं। देन प्रोसीजर के ऊपर हमें पैरामीटर्स ऐड करने पड़ेंगे, प्रोसीजर क्या है, वो कितने पैरामीटर्स लेते हैं उसके ऊपर डिपेंड है हम लोग पैरामीटर्स ऐड करना है कि नहीं ऐड करने हैं। उसके बाद अगर रिक्वायर्ड है तो प्रोसीजर का पैरामीटर मेंशन करो। अब जो भी इनपुट पैरामीटर है उनको मेंशन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो आप अपने आप ले लेते हैं, जो आउटपुट पैरामीटर है उसका हमें मेंशन करना पड़ता है, इसलिए मैंने मेंशन किया इफ रिक्वायर्ड। एंड देन एग्जीक्यूट प्रोसीजर, हम लोग प्रोसीजर हमेशा एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी से ही करते हैं। अब ये कैसे करेंगे हम लोग, तो पहले कनेक्शन ऑब्जेक्ट ओपन करो, ओपन द कनेक्शन एंड देन क्रिएट द कमांड ऑब्जेक्ट, ठीक है। कनेक्शन पहले हमने ऑलरेडी मेंशन किया है, वो कनेक्शन ओपन करो और फिर उस कनेक्शन के हिसाब से कमांड ऑब्जेक्ट ओपन करो, ताकि जो भी हम लोग कमांड एग्जीक्यूट करेंगे वो उस डेटाबेस के साथ एग्जीक्यूट होगा जहां हमने मेंशन किया है कनेक्शन स्ट्रिंग में, डेटा इनिशियल कैटलॉग में जो मेंशन किया है डेटाबेस, उसके अगेंस्ट ये सारे कमांड्स एग्जीक्यूट हो जाएंगे। कमांड टाइप मेंशन कीजिए आप, सो सीओ डॉट कमांड टाइप इक्वल टू कमांड टाइप डॉट स्टोर्ड प्रोसीजर। उसके बाद अगर स्टोर्ड प्रोसीजर है तो कमांड टेक्स्ट इज नथिंग बट नेम ऑफ द प्रोसीजर। जैसे सपोज हमें इंसर्ट प्रोसीजर एग्जीक्यूट करनी है, इंसर्ट रिकॉर्ड, सो पी अंडरस्कोर आईएनएफ अंडरस्कोर कोर्स। अब ये प्रोसीजर चार पैरामीटर्स लेते हैं,
तो हमें चार पैरामीटर्स मेंशन करने पड़ेंगे, सीओ डॉट पैरामीटर्स डॉट एड विथ वैल्यू। पहले है पैरामीटर का नाम और बाद में उसकी वैल्यू, बिकॉज हमने मेंशन किया एड विथ वैल्यू। पहले है पैरामीटर और उसके बाद उसकी वैल्यू, एंड देन एग्जीक्यूट द प्रोसीजर सीओ डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी। ठीक है, अब प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। मैंने ऑलरेडी यहां सब बना के रखा है, ये अपना सी शार्प का फॉर्म है। तो सी एन ओ, सी नेम, ड्यूरेशन, फीस, ये सारे फॉर्म है। कनेक्शन ऑब्जेक्ट पे मैंने सिर्फ कनेक्शन स्ट्रिंग मेंशन किया हुआ है, ये कनेक्शन स्ट्रिंग है जो पहले मैंने मेंशन किया था। हमें रिकॉर्ड ऐड करना है, तो ऐड पे मैंने क्या किया है, तो जैसे ही कोई बंदा रिकॉर्ड इंसर्ट करना चाहता है वो ऐड पे क्लिक करेगा। ऐड पे क्लिक करने के बाद जो भी लास्ट कोर्स नंबर है कोर्स टेबल में, हम लोग देखते हैं, मैं एसक्यूएल सर्वर में जाता हूं। अब यहां करता हूं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कोर्स, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कोर्स, यहां से मैं एग्जीक्यूट करता हूं। तो कनेक्ट कीजिए, कनेक्शन क्यों कैंसिल हो गया था, यहां से टेबल, हाँ लाइट गई थी, ठीक है, एग्जीक्यूट कीजिए। तो यहां का लास्ट का कोर्स देखिए, लास्ट का कोर्स है 10। अब इसमें क्या मैं कोर्स ऐड करूंगा, पीएचपी दिया हुआ है नहीं, ठीक है, हम लोग पीएचपी कोर्स नहीं ऐड करेंगे। तो ये सारे 10 कोर्सेस है, ठीक है। तो जैसे ही ऐड पे क्लिक करेगा वो नेक्स्ट नंबर यहां आ जाएगा, फिर कोर्स नेम एंटर करूंगा, ड्यूरेशन एंटर करूंगा, फीस एंटर करूंगा, और जैसे ही सेव पे क्लिक करेंगे हम लोग वो प्रोसीजर कॉल करना चाहिए। तो पहले ऐड का प्रोग्राम देखते क्या किया है, ठीक है। तो ऐड देखिए, कनेक्शन ओपन कीजिए, कमांड अपडेट कीजिए, आप यहां मेंशन कर सकते हो सीओ डॉट कमांड टाइप इक्वल टू कमांड टाइप डॉट, देखिए स्टोर्ड प्रोसीजर है, टेबल डायरेक्ट है और टेक्स्ट है। प्रोसीजर अगर कॉल करनी है तो प्रोसीजर मेंशन करेंगे, अगर टेबल का नाम देना है कमांड टेक्स्ट में तो टेबल डायरेक्ट मेंशन कीजिए, और अगर टेक्स्ट मेंशन करना है तो टेक्स्ट दीजिए। अब हमने क्या किया, यहां सिलेक्ट मैक्स सी एन ओ प्लस वन इक्वल टू, सॉरी सिलेक्ट मैक्स सी एन ओ प्लस वन फ्रॉम कोर्स। अब कोर्स टेबल से मैक्सिमम सी एन ओ निकला वो क्या है, 10 है, उसमें प्लस वन करेगा और 11 हो जाएगा। अब ये जो है ये एक वैल्यू रिटर्न कर रही है, दिस इज रिटर्निंग वन वैल्यू, सो वी आर एग्जीक्यूटिंग दिस एज अ एग्जीक्यूट स्केलर। एग्जीक्यूट स्केलर रहता है, एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी रहती है, एंड एग्जीक्यूट रीडर रहता है। जैसे सिलेक्ट से अगर मल्टीपल वैल्यूज आ रही है तो हम लोग एग्जीक्यूट रीडर करेंगे, एक ही वैल्यू आ रही है तो एग्जीक्यूट स्केलर करेंगे, और प्रोसीजर के लिए एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी करेंगे। अब वो नंबर है इसलिए हम लोगों ने उसको नंबर में कन्वर्ट किया है, और वो नंबर लिया है VCNO। अब VCNO मेंशन, वो VCNO जो है वो हम लोगों ने टेक बॉक्स में डिस्प्ले किया, दैट इज टेक बॉक्स वन, बट दैट इज अ नंबर, सो वी हैव कन्वर्ट दैट इन टू द स्ट्रिंग, ठीक है। उसके बाद टेक बॉक्स 2, 3, 4 क्लियर किया है, और हम लोगों ने टेक बॉक्स 2 में कर्सर लिया है और फिर सीएन डॉट क्लोज किया है। अब देखिए वो इतना ही पार्ट हम लोग एग्जीक्यूट करके देखते हैं। होप सो सब कुछ सही हो जाए। कनेक्ट कनेक्ट का जरूरत है, आप देखो क्या करना है। उसके बाद ऐड तो आ जाएगा 11, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने यहां हम लोग डेटा एंशन करेंगे और फिर सेव पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो यहां मैं अभी कैंसिल करता हूं, ठीक है। अब सेव पे देखेंगे प्रोग्राम क्या लिखा है, ठीक है। सेव पे हमें वो प्रोसीजर कॉल करनी है, ठीक है। तो वो दिया हुआ है वैसे ही है, देखिए वो जो मैंने अभी प्रोग्राम मेंशन किया, कमांड क्रिएट करो, टाइप मेंशन करो दैट इज अ प्रोसीजर, कमांड टेक्स्ट मेंशन करो प्रोसीजर का नाम, वैल्यू सब ऐड करो, VCNO, VC नेम, VC फीस एंड VC ड्यूरेशन। ये गलत हो रहा है, एक मिनट में देखता हूँ क्या है। हाँ
ठीक है, वीसी फीस इज टेक बॉक्स 3, ड्यूरेशन इज टेक बॉक्स 3, आई थिंक ड्यूरेशन इज टेक बॉक्स 3, टेक बॉक्स 3 वो प्रोसीजर। ठीक है, देखेंगे, वो सही होता है, जाने दो उसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, वीसी फीस एंड वी ड्यूरेशन, देन एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी, एंड देन मेरे ख्याल से प्रोसीजर में पहले फीस लिखा होगा ना, बाद में ड्यूरेशन लिखा होगा प्रोसीजर में, यहाँ प्रोसीजर है। ठीक है, तो प्रोसीजर में तीसरा ड्यूरेशन है और चौथा फीस है। पहले वी फीस इंस्टॉल इंसर्ट किया है, बाद में वी ड्यूरेशन इंस्टॉल किया है, इंसर्ट किया है, और टेबल में क्या है, जस्ट मिनट, कॉल आ रहे मुझे, वो मैं थोड़ा एरोप्लेन मोड पे डाल देता हूँ। ठीक है, इंसर्ट इनटू कोर्स वी सी एन ओ, वी नेम, वी ड्यूरेशन एंड फीस, पहले फीस है बाद में ड्यूरेशन है। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो वी फीस हमें देना है टेक बॉक्स 3 में, और ड्यूरेशन देना है टेक बॉक्स 4 में, थर्ड इज फीस एंड फोर्थ इज ड्यूरेशन, फीस एंड ड्यूरेशन। फीस टेक बॉक्स 3 में देनी है और ड्यूरेशन टेक बॉक्स 4 में देनी है, और बाद में एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी। तो मैं रन करता हूं यहां, रन करते हैं यहां, ऐड, हम लोग पहले, सॉरी ये एरर देगा अभी, क्योंकि हम लोगों ने कनेक्शन नहीं किया है, वो एरर देगा, सॉरी, क्योंकि कनेक्शन स्ट्रिंग पहले मेंशन करनी पड़ेगी, वो बार बार मेंशन ना करना पड़े, इसलिए हम लोगों ने स्टार्टिंग कनेक्ट में दिया है। ऐड पीएचपी प्रोग्रामिंग, देन ड्यूरेशन इज 3 एंड फीस इज 5,000, 3 मंथ्स, सेव, रिकॉर्ड सेव्ड। ठीक है, अब ये रिकॉर्ड सेव हुआ है कि नहीं है वो हम लोग जाएंगे एसक्यूएल सर्वर में और फिर से ये देखेंगे रन करके हुआ है कि नहीं हुआ। यस, इट इज देयर, 11 पीएचपी 3 एंड 5,000, ये रिकॉर्ड इंसर्ट किया है हम लोगों ने। ठीक है, अब ये हो गया है हाउ टू कॉल प्रोसीजर। ओके, जैसे ये मैं क्लोज करता हूं अभी ये, अब इसका आप देखिए, ये हमारा प्रोसीजर है, दिस इज आवर प्रोसीजर, वी ड्यूरेशन एंड वी फी फीस, ये एक्चुअली होना चाहिए ऐसे, मैं बताता हूं। ठीक है, तो पहले ड्यूरेशन होना चाहिए, बाद में फीस होना चाहिए, वी सी एन ओ, वी सी नेम, ड्यूरेशन एंड फीस, और कॉल करते समय यहां सेव बटन पे फीस होना चाहिए 4 और ये होना चाहिए 3। ठीक है, तो ये प्रोग्राम है प्रोसीजर का, एंड दिस इज इन सी शार्प। ठीक है, अब ये है, दिस इज इन एसक्यूएल सर्वर एंड दिस इज इन सी शार्प। ठीक है, ये एसक्यूएल सर्वर की प्रोसीजर है और ये सी शार्प से वो प्रोग्राम कॉल किया है हम लोगों ने, ये मैं सब सेव करके रखता हूँ। ठीक है, बेटर वे, ये हम लोग यहां रखेंगे। ठीक है, तो पहले सी एन ओ है, सी नेम है, ड्यूरेशन है और फीस है, और एक टेबल में वैसे इंसर्ट कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, सो दिस इज अ प्रोग्राम ऑफ एसक्यूएल सर्वर एंड दिस इज अ कॉलिंग, नाउ वी डेमोन्स्ट्रेट रिमेनिंग फीस।
अब रिमेनिंग फीस यहाँ डेमोन्स्ट्रेट करने से पहले मैं एसक्यूएल सर्वर में जाना चाहता हूँ। जैसे देखिए यहाँ एक रोल नंबर है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल नंबर इक्वल टू वन, मैं ये एग्जीक्यूट करता हूँ। रोल नंबर वन संग्राम पटेल, एड्रेस इज कोल्हापुर एंड सीएनओ उसका कोर्स नंबर वन है। संग्राम पटेल ने एक नंबर के लिए कोर्स के लिए एडमिशन लिया है। अब मैं देखूंगा वो एक नंबर के कोर्स की फीस क्या है। अब एक नंबर की कोर्स की फीस है फाउंडेशन कोर्स ड्यूरेशन टू और फीस है 2500। और मैं देखता हूँ फिर संग्राम पटेल ने फीस पी कितनी पे की है, 2500 फीस है। अब फीस कितनी पी की है, 900। तो रिमेनिंग फीस क्या रह गई, मेरे ख्याल से 1600 हो गई रिमेनिंग फीस, जैसे कोर्स फीस माइनस रिमेनिंग फीस। कोर्स फीस क्या है, कोर्स फीस है 2500, पेड फीस क्या है 900। तो 2500 से 900 गए, बचे कितने, 1600। और ये प्रोसीजर जो है वो बना ही है, जो मैंने पहले एक्सप्लेन किया है, इससे पहले एक्सप्लेन किया था। वो रोल नंबर लेगा और रिमेनिंग फीस रिटर्न करेगा। अब देखते हैं ये सी शार्प से कॉल होता है क्या। तो ये पार्ट जो है इस साइड पे जो पार्ट है उसमें मैंने दो किया है, एक आइदर इनपुट सी एन ओ इट विल गिव यू कोर्स फीस, रोल नंबर दे दो, रिमेनिंग फीस पे क्लिक करो, ये आपको देगा रिमेनिंग फीस। वैसे कोर्स की भी मैंने प्रोसीजर लिखी है, ये जैसे ये कोर्स की प्रोसीजर है, गेट कोर्स फीस जो सी एन इनपुट लेगा और कोर्स की फीस आउटपुट देगा। तो ये है सिलेक्ट एट सी वी सी फीज इक्वल टू फीस फ्रॉम कोर्स वेयर सी एन इक्वल टू एट वी सी एन ओ, कोर्स नंबर कंपेयर करेगा, फीस जो है वो वीसी फीस में देगा और वो हम लोग वीसी फीस रिटर्न करेंगे। ठीक है, तो अगर हम लोगों ने यहाँ रन किया, ठीक है, अब एक पैरामीटर इनपुट है एक पैरामीटर आउटपुट है, उसका हम लोगों ने अभी तक किया नहीं है, वो आप प्रोग्राम एक्सप्लेन नहीं किया, मैं करता हूँ अभी एक्सप्लेन। ठीक है, तो मैंने अगर रोल नंबर वन दिए तो उसने एक नंबर कोर्स के लिए एडमिशन लिया है जिसकी फीस 2500 है और उसने फीस पेड की 900 रुपये। तो 2500 माइनस, अरे यहाँ कनेक्शन करना मैं फिर से भूल गया, यही तो प्रॉब्लम रहता है, सॉरी। वो पहले कनेक्ट करना बहुत जरूरी है, पहले सर्वर के साथ कनेक्ट करो फिर ये। इसे हम लोग एरर हैंडलिंग भी कर सकते हैं, अगर एरर आ रहा है तो हम लोग एरर हैंडलिंग करके फिर से वो कनेक्शन स्ट्रिंग मेंशन करके फिर से कनेक्शन ओपन कर सकते हैं। रिमेनिंग फीस, तो अब रिमेनिंग फीस आना चाहिए 1600। ठीक है, जैसे एक नंबर के कोर्स की भी 2500 है, 900 उसने पे किया है तो 1600 आ जाएगा। और कोर्स की फीस क्या है, 2500, एक नंबर के कोर्स की फीस 2500 है और रिमेनिंग फीस है 1600। ठीक है, तो वो देखिए कि उसकी रिमेनिंग फीस हम लोग ऐसे प्रोसीजर कैसे कॉल करेंगे कि जो एक वैल्यू रिटर्न कर रही है। ठीक है, तो अब देखिए प्रोग्राम तो वैसे सेम है, प्रोग्राम का कोई इतना टेंशन नहीं है। जैसे ये प्रोसीजर है और ये हम लोग कॉल करेंगे सी शार्प से, यह है इन एसक्यूएल सर्वर और यह है इन सी शार्प। ठीक है, देखिए एज यूजुअल कनेक्शन ओपन कीजिए, कमांड ऑब्जेक्ट कीजिए, टाइप मेंशन कीजिए दैट इज द प्रोसीजर, टाइप नेम देखिए, नेम ऑफ द प्रोसीजर, नेम ऑफ द प्रोसीजर इज पीआरईएम फीस, तो यहां मेंशन किया है पीआरईएम फीस। इसमें दो पैरामीटर्स है, एक वीआरएनओ एंड एक वीआर फीस। अब ये मैं बोलना भूल गया, ये जो हमने यहां मेंशन किया है वही यहां पर होना चाहिए डबल कोट्स में कंपल्सरी, ये हम लोग बदल नहीं सकते, अगर कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो गई तो ये रन नहीं होगा। तो ये है, पहले पैरामीटर ऐड किया टेक बॉक्स फाइव से, हम लोगों ने रोल नंबर लिया और ये हम लोगों ने उसकी फीस ऐड कर दी 0। अब ये इनपुट पैरामीटर है, पहला जो है पैरामीटर टाइप मेंशन नहीं किया है तो ये इनपुट काम करेगा और दूसरा जो है आउटपुट है तो हमें आउटपुट मेंशन करना पड़ेगा कंपल्सरी। तो ये है सीओ डॉट पैरामीटर्स एट वी आर फीस डॉट डायरेक्शन इक्वल टू पैरामीटर डायरेक्शन डॉट आउटपुट, ये मेंशन करना बहुत जरूरी है भाई। ठीक है, वरना वो बाय डिफॉल्ट इनपुट ही लेगा, फिर आपका प्रोग्राम काम नहीं करेगा। और प्रोसीजर एग्जीक्यूट की एज अ एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी और फिर उसकी वैल्यूज हम लोगों ने इस टाइप से रिटर्न किया, ले लिया। अब ये वैल्यूज है उसका टाइप है इंटीजर, अब टेक बॉक्स में हम लोग डिस्प्ले कर रहे हैं तो
तो बाय डिफॉल्ट होना चाहिए स्ट्रिंग, तो हम लोगों ने ऐसे कन्वर्ट कर दिया उसको, कन्वर्ट डॉट टू स्ट्रिंग, या फिर आप कर सकते हो सीओ डॉट पैरामीटर्स वैल्यू डॉट टू स्ट्रिंग ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, वैसे भी आप कर सकते हो। तो सीओ में जो भी पैरामीटर्स है उसमें से ये पैरामीटर उठाओ और उसकी वैल्यू जो है वो टेक बॉक्स में डिस्प्ले करो। सो दिस इज हाउ वी मेंशन द आउटपुट पैरामीटर एंड दिस इज हाउ वी कैन फेच द वैल्यू। बट इंपॉर्टेंट क्या है, प्रोसीजर एग्जीक्यूट करने के बाद, भाइयों ये देखिए प्रोसीजर एग्जीक्यूट करने के बाद ही आप लोग एक्सेस कर सकते हो, पहले एक्सेस मत करना, पहले प्रोसीजर एग्जीक्यूट करना और बाद में एक्सेस करना। अब यही यहां मेंशन किया हुआ है। और अगर आपको यहां एरर हैंडलिंग डालनी है, मैं बताता हूं अभी, इसी में हम लोग करते हैं एरर हैंडलिंग हो सके तो। जैसे मैंने बिना कनेक्ट के मैंने यहीं पे मेंशन किया और रिमेनिंग फीस एक्सेस किए, कनेक्ट पे क्लिक ही नहीं किया तो वो एरर देगा। अभी यहां क्या एरर देगा, ऑब्जेक्ट रेफरेंस नल रेफरेंस एक्सेप्शन। तो हम लोगों ने ये हम लोग यहां कर सकते हैं, ट्राई कैच नल रेफरेंस एक्सेप्शन, और अगर नल रेफरेंस एक्सेप्शन है तो हमें वो कनेक्ट का प्रोग्राम कॉल करना पड़ेगा। तो इसमें मेंशन करो और बाद में ओपन करना, ठीक है। अगर मेंशन नहीं किया है तो मेंशन करो और बाद में फिर कनेक्शन ओपन करो। अब मेरे ख्याल से एरर नहीं आना चाहिए यहाँ। जैसे ट्राई कैच उसमें फाइनली भी रहता है, फाइनली मीन्स फाइनली का प्रोग्राम जो है वो कंपल्सरी एग्जीक्यूट हो ही जाता है। हो गया, देखिए अब कनेक्ट पे करने क्लिक करने की जरूरत ही नहीं है, कोर्स की फीस भी आ गई, ठीक है। तो ये ट्राई कैच है एक्सेप्शन हैंडलिंग, जिस स्टेटमेंट में एरर आता है वो इंसर्ट कीजिए ट्राई ब्लॉक में, और एरर आने के बाद क्या करना चाहिए वो इंसर्ट कर दीजिए कैच ब्लॉक में। फाइनली ब्लॉक भी रहता है, जैसे अगर फाइनली ब्लॉक जो रहता है वो होता है आप ट्राई भी, ट्राई या कैच कोई भी एग्जीक्यूट हो, फाइनली ब्लॉक का प्रोग्राम कंपल्सरी एग्जीक्यूट हो ही जाता है, तो हमें फाइनली में कुछ जरूरत नहीं है। और जो भी एरर दिया हुआ है उसका ऑब्जेक्ट बनाओ, अगर चाहिए तो आप यहाँ उसका यूज़ कर सकते हो जो भी आपको चाहिए, जैसे एनआरई डॉट जो भी है। देखिए इसमें मैसेज जो है वो एक्चुअली एरर मैसेज है, क्यों आ रहा है एरर इसके लिए, ठीक है, तो उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। एंड देन वी आर क्रिएटिंग कनेक्शन ऑब्जेक्ट एंड देन वी आर एग्जीक्यूटिंग इट। सो दिस इज हाउ वी एग्जीक्यूट द प्रोसीजर फ्रॉम एसक्यूएल सर्वर इन अ सी शार्प। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल मेरा सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे और वीडियो आपको मैं दे सकूँ, आप वॉच कर सकें। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो ये वीडियो आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए।